हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू तरन सर क्लासेस। और आज आपके लिए मैं लेकर आया हूँ इंडियाज़ एक्सटर्नल रिलेशंस, जो कि पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस के चैप्टर नंबर 4 के कुछ बड़े ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं। सो लुक एट द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन हियर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ नेहरूज फॉरन पॉलिसी। आपको बताना है नेहरू की फॉरन पॉलिसी का इनमें से एक ऑब्जेक्टिव कौन सा नहीं था। तो अगर हम देखें बच्चों, फर्स्ट थ्री ऑब्जेक्टिव तो 100% थे। इसका मतलब क्या हुआ, जो नंबर 4 है वो आपका जो है ऑब्जेक्टिव यानी नहीं था, यानी नेहरू की फॉरन पॉलिसी का। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। सो नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 2 हियर। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन से जो लीडर्स हैं या पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं प्रो यूएस फॉरेन पॉलिसी के फेवर में नहीं थे। तो देखिए, बीआर अंबेडकर भी थे, भारतीय जनसंघ भी थे, स्वतंत्रता पार्टी भी थी। तो इसका भी राइट आंसर क्या होगा बच्चों, नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। इनमें से कौन सी जो है पॉलिसीज हैं वो अडॉप्ट नहीं की थी इंडियन गवर्नमेंट ने, ताकि वो जो अपने पीसफुल वर्ल्ड के एक सपने को पूरा कर सकें। तो बच्चों आप ऑप्शंस देखिए, सभी ऑप्शंस जो हैं फर्स्ट थ्री ऑप्शंस बिल्कुल ठीक डायरेक्शन में है। तो जो डिफरेंट है वो हमारा है ऑप्शन नंबर डी। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी हियर। तो बच्चों इसका राइट आंसर जो है डेवलपिंग न्यूक्लियर वेपन्स था, क्योंकि इंडिया कभी भी इसकी फेवर में नहीं था। सो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। इनमें से जो है कौन सा हम कह सकते हैं यानी विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट इन्वॉल्व इन साइनिंग द ताशकंद एग्रीमेंट ऑफ 1966। तो कुछ लीडर्स के नाम हैं, आपको बताना है इनमें से ऐसा कौन सा जो है उनमें से नहीं है राइट। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए लाल बहादुर शास्त्री और जनरल अयूब खान तो इन्वॉल्व थे ही, साथ में प्राइम मिनिस्टर कोजिजिन भी थे। तो सबसे डिफरेंट है बेंजीर भुट्टो। तो राइट आंसर है बेंजीर भुट्टो। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अब इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि कौन सी ऐसी स्ट्रगल थी जो हम कह सकते हैं कि चलाई गई थी ईस्ट पाकिस्तान के अगेंस्ट, ताकि जो है उनकी रूल रीन ऑफ टेरर को ख़त्म किया जाए। तो इनमें से ऑप्शंस आपके सामने हैं बच्चों, यानी अगर हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े तो ये बताना होगा जो बांग्लादेश, क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान का मतलब है बांग्लादेश। तो आप देखिए बांग्लादेश के लोगों ने कौन सी जो है स्ट्रगल स्टार्ट की थी। तो ऑप्शंस में बिल्कुल क्लियर आंसर आपका बनेगा लिबरेट बांग्लादेश फ्रॉम पाकिस्तान। लिबरेट का मतलब होता है फ्री करना। तो राइट आंसर भी है हमारा ऑप्शन ए। नाउ यू कैन सी क्वेश्चन नंबर 6। इसमें आपको क्या करना है बच्चों, मैच द फॉलोइंग। आप एक बार स्टेटमेंट को देखिए एंड देन थिंक व्हाट कैन बी द राइट मैच, जो कि इनके आगे बिल्कुल सामने दिया गया है। तो मैं आपके लिए थोड़ा सा हेल्पफुल इसलिए जो आपके लिए होगा कि जो कलर है उसी को उसी के अकॉर्डिंग आंसर के अकॉर्डिंग मैच करके दूंगा। सो बच्चों दिस इज द राइट मैच। सो नाउ वी कैन मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। सो 7 क्वेश्चन में भी आप देखिए कि आपको क्या लगता है राइट आंसर होना चाहिए। यू जस्ट टेक योर टाइम देन आई विल गिव द आंसर। So now you can see the right answer according to their colors, like NATO, United States, Warsaw Pact, USSR, attack on Egypt, Britain, and again USSR attack on Hungary. Now you can see the statements of question number 8 and question number 9. So आप एक बार time लीजिए, मैं आपको इसका right answer बताता हूँ कि कौन सा exact match यहाँ बनेगा। देखिए सुभाष चंद्र बोस, इंडियन नेशनल आर्मी, कुछ तो यहीं हेल्प हो जाती है, और दलाई लामा, तिब्बत हो गए। तो बाकी आपके दो ऑप्शन बचते हैं। ऐसे ही अगर क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ देखें तो चाइनीज़ रेवोल्यूशन 1949 में आती है, और फिर फुल डिप्लोमेटिक रिलेशंस इंडिया और चाइना के बीच में आपको ईयर उसका एग्जैक्ट बताना है। चाइनीज़ इन्वेशन कब हुई वो भी आपको बतानी है 1962 में, अगर उसका आंसर होगा। सो आई विल जस्ट गिव यू द मैच। अब बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, और मैं इसकी आंसर मैच करके देता हूं आपको। और आप देख सकते हो बच्चों, अब चाइनीज़ रेवोल्यूशन 1949, चाइनीज़ इन्वेशन यानी चाइना का अटैक जो है 1962,
और फुल डिप्लोमेटिक रिलेशंस की अगर बात करें इंडिया और चाइना के बीच में 1976 और अटल बिहारी वाजपेयी की विजिट जो है 1979। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। अब बच्चों हमें क्वेश्चन नंबर 10 में बताना है कि जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान के जनरल के बीच में एग्रीमेंट साइन हुआ ताशकंद एग्रीमेंट, और उसमें मीडिएटर जो है कौन सी कंट्री थी वो भी हमें बताना है 1966। तो आपके ब्लैंक आपको फिल करनी है, मैं आपको इसका राइट आंसर दे रहा हूँ। सो द राइट आंसर्स आर, जस्ट लुक एट इट, इंडियन प्राइम मिनिस्टर कौन से होंगे, लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान दूसरे हो गए पाकिस्तान के जनरल, और साथ में जो ब्रोकर कंट्री है वो है सोवियत यूनियन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। यानी अगर 1971 की वॉर की बात करें तो जो असेंबली इलेक्शंस थे मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में हुए, और उससे जो है क्या चेंजेस आए, ब्रिंगिंग डैश फोर डैश इन मैनी स्टेट्स। तो राइट आंसर है लार्ज मेजोरिटीज, और किसके लिए थी वो, कांग्रेस के लिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। जो डैश इन हिमाचल प्रदेश इज़ परहैप्स द लार्जेस्ट रिफ्यूजी सेटलमेंट ऑफ, किसकी जो है सबसे बड़ी सेटलमेंट है हिमाचल प्रदेश, और जगह का नाम बताना है, धर्मशाला जो है वो तिब्बतंस की है, बहुत बड़ी सेटलमेंट्स है वो। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। 1950s और 1960s में कितनी जो पॉलिटिकल लीडर्स या पार्टीज जो हैं उनमें इंक्लूड हैं डैश, एंड द डैश सपोर्टेड द कॉज ऑफ तिब्बत इंडिपेंडेंस। ये बड़ा टिपिकल क्वेश्चन है बच्चों। तो राइट आंसर है सोशलिस्ट पार्टी और जनसंघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट समिट ऑफ नैम वॉज हेल्ड इन, अब आपको बताना है कब हुई, तो कहाँ पर हुई वो भी बताना है। यानी आपको अगर कुछ याद हो तो ये हुई थी बेलग्रेड में सितंबर में, यानी इन सितंबर 1961। काफ़ी लंबे टाइम तक जो है चाइनीज़ बॉर्डर वो पैरामिलिट्री फोर्स के द्वारा गार्ड किया जाता था और आर्मी के द्वारा नहीं। तो आपको बताना है ट्रू या फॉल्स, क्या ये सही है या गलत है। सो द राइट आंसर इज़ ट्रू। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 16। तो बच्चों इसमें हमें बताने कि इंडिया ऑलवेज कंसीडर द एनपीटी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी एज नॉन डिस्क्रिमिनेटरी बट रिफ्यूज टू साइन इट। नो डाउट इंडिया ने रिफ्यूज़ किया था साइन करने से, लेकिन ये गलत है कि अगर हम कहें कि इंडिया ने इसे नॉन डिस्क्रिमिनेटरी बोला था, बट रादर इंडिया तो इसे डिस्क्रिमिनेशन वाली जो है एक एग्रीमेंट मानता था, इसलिए इंडिया ने साइन करने से मना किया। तो आंसर क्या होना चाहिए, फॉल्स। यस द राइट आंसर इज फॉल्स। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बताना है कि इंडिया के जो फॉरेन रिलेशंस जो हैं इंडिपेंडेंस के बाद कैसे थे। तो वो था कि सभी की सॉवरेनिटी को बना के रखें और सिक्योरिटी हो थ्रू मेंटेनेंस ऑफ पीस, पीस के द्वारा सभी कंट्री आपस में मिलजुल के रहें। क्वेश्चन नंबर 19 है व्हाट लेड द स्प्लिट ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया इन 1964, किस वजह से कम्युनिस्ट पार्टी का जो है स्प्लिट हुआ था, यानी बट गई थी वो। तो ये था जो रिफ्ट था, यानी गैप एक आ गया चाइना और सोवियत यूनियन के बीच, जिसकी वजह से जो है हमारी इंडिया में भी जो पार्टीज जो हैं वो स्प्लिट हो गई थी 1964 में, CPI और CPIM। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। When was शिमला एग्रीमेंट साइन एंड who were its signatories, यानी किन किन के बीच में हुआ था वो हमें बताना है। तो आपके ऑप्शंस बच्चों, ऑप्शन क्या कहीं, आपको आंसर मैं दे ही देता हूँ कि इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच में साइन हुआ था, और 3 जुलाई 1972 को। क्वेश्चन नंबर 21 की अगर बात करें, What was the policy of India during the crisis of Suez Canal of 1956? अब देखिए उस टाइम क्या किया इंडिया ने, जब ब्रिटेन ने अटैक किया इजिप्ट के ऊपर, तो इंडिया ने पूरे वर्ल्ड में प्रोटेस्ट किया इस बात को लेकर कि ये गलत है, बिल्कुल गलत है। लेकिन देखिए जब रशिया ने किया था हंगरी के ऊपर, तब इंडिया ने कुछ भी नहीं बोला। अब इसमें है क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ, व्हाट वाज द व्यू ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अबाउट इंडियाज फॉरन पॉलिसी। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो है वो क्या मानते थे कि इंडिया को जो है ज़्यादा फ्रेंडली होना चाहिए US ब्लॉक के साथ, क्योंकि ये जो है प्रो डेमोक्रेसी वाला ब्लॉक है, इसमें डेमोक्रेसी की इम्पोर्टेंस जो है वो ज़्यादा है। तो बच्चों इसी के साथ मैं आपकी इस वीडियो को यहीं स्टॉप करूँगा, और आई होप सो दीज क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी अ ग्रेट हेल्प टू यू फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। सो थैंक यू रियली वेरी मच फॉर वॉचिंग तरन सर क्लासेस, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल। हैव अ वेरी नाइस डे।